नमस्कार, आप देख रहे खबरदार टॉप 10। आइए नजर डालते हैं दिनभर की बड़ी खबरों पर। बीजेपी के पूर्व सांसद प्रभास कुमार सिंह भाजपा में हुए शामिल, पार्टी छोड़ने की बताई ये वजह। भाजपा का घोषणा पत्र 2047 तक विकसित भारत के लिए रोड मैप, सीएम पटेल ने गुजरात की 26 सीटों को लेकर किया ये दावा। ईरान इसराइल वार से निर्यात पर असर, अलीगढ़ से हर महीने करीब 125 करोड़ का होता एक्सपोर्ट, चिंता में डूबे कारोबारी। कांग्रेस ने उड़ीसा में 75 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। कांग्रेस ने रविवार को उड़ीसा की 75 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की अगली सूची की घोषणा की है। आज बीजेपी और बीजू जनता दल की सूची आने की संभावना है। केजरीवाल को फिर लगा झटका, कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ा दी। सीएम योगी कल लालू यादव पर डायरेक्ट अटैक, बिहार में बोले, ऐसे लोगों को मैंने ठंडा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बिहार की धरती पर पहुंचे। खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल, इसलिए केरल में पीएम मोदी का कांग्रेस के युवराज पर तंज। सपा की फिर जातिगत समीकरण को साधने की जुगत, चुन चुन कर उतार रही प्रत्याशी। राजभर व निषाद वोट बैंक पर पैनी नजर। 80 बनेगा आधार, एनडीए 400 पार, सीएम योगी बोले, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का ब्लूप्रिंट है भाजपा का संकल्प पत्र। सीएम केजरीवाल के साथ आतंकी जैसा व्यवहार, सामान्य सुविधाएं भी नहीं मिल रही है, मुलाकात के बाद भावुक हुए भगवंत मान। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।